भूगोल और सामान्य अध्ययन में एक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, जो है जो एक भौगोलिक कहावत भी है कि हिमपात पर्वतों पर होता है किंतु ठंड मैदानों में लगती है। अर्थात हिमपात पर्वतों पर होता है और उसका प्रभाव मैदान पर होता है। इसकी व्याख्या के लिए हमको देखना होगा कि पर्वतों पर हिमरेखा के सहारे ही हिमपात होता है और स्पेशली ये विंटर सीजन में होता है, लेकिन जो हिमपात विंटर के लास्ट में स्प्रिंग या बसंत काल में होता है, तो बसंत काल में हिमपात हो रहा है लेकिन मैदान के लोग बसंत काल तक निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ का पारा पर्याप्त बढ़ जाता है और लोग अपने गर्म कपड़े हटा देते हैं। परिणाम क्या होता है कि हिमपात होने से यहाँ की हवा ठंडी हो जाती है, जिसका दबाव भारी हो जाता है, और इसके विपरीत मैदान में अपेक्षाकृत गर्म है और गर्म हवाएं ऊपर उठ जाती हैं, वायुदाब कम हो जाता है और हिमपात क्षेत्र के उच्च वायुदाब से ठंडी हवाएं मैदान में उतरकर आती हैं, जिनको कि वायु प्रवाह कहा जाता है, और ये लोग गर्म कपड़े हटा चुके हैं इसलिए इनको ठंड लग जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हिमपात होता है पर्वतों पर, मारे जाते हैं मैदान के लोग।